स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। पारिवारिक वेदियां, जैसा कि इफ्सियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें हथियार बुरे दिनों का सामना करने के लिए दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी दिन एक जैसे नहीं हैं। वो बुरे दिन आपकी गरीबी, बीमारी और सताव के कारण आपके जीवन में आ सकते हैं, पर आपको परमेश्वर की ओर से हथियार दिए गए हैं ताकि आप उनका सामना करके उन पर जीत हासिल कर सको। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके परिवार से ही मिलती हैं। जब आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद की जिंदगी में औरत एक बड़ी कमजोरी थी। वो बेतशेबा के साथ पाप में गिरा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे माफ तो कर दिया था, पर उसका प्रभाव उसके जीवन में बना रहा। एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपका पाप तो माफ कर सकता है, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में रहता ही रहता है। शैतान भी इस बात को जानता है कि कई पाप वो आपसे करवा सकता है, पर आपके उद्धार को खत्म नहीं कर सकता। उसका आपके जीवन में ये प्रभाव पड़ता है कि शैतान परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरी होने से रोक देता है। वो आपको खुदावन की पहली योजना से हटाकर दूसरी योजना में लेकर जाता है, जिसमें आशीषें और श्राप दोनों मिले होते हैं, क्योंकि शैतान देखता है कि अगर वो आपके जीवन में कुछ काम कर पा रहा है तो वो करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप पारिवारिक वेदी को ना समझें कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में पारिवारिक वेदियों के कारण है, तो फिर आपको ना कामयाब होने में देरी नहीं लगती। याद रखें, वे विचार करने वाले लोग अपनी मंजिल नहीं पा सकते। अगर किसी की माता को बच्चेदानी में समस्या है तो उसकी बेटी आज से ही प्रार्थना करेगी कि मुझे ये समस्या ना हो। अगर किसी के पिता को कैंसर है और वो खुद बिल्कुल स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आपके अंदर विश्वास होने के कारण कोई समस्या नहीं है, पर आपको ये समझना है कि कौन सी समस्या कहाँ से आ रही है, क्योंकि शैतान आपको उसी समस्या या पाप में फंसा कर वही लेकर जाना चाहता है जिन श्रापों में आपके बाप दादा थे। इसलिए आज आपको अपने जीवन में से उन वेदियों को तोड़ने की जरूरत है, और उसी तरह से प्रार्थना की वेदी को बनाने की भी जरूरत है। उस प्रार्थना की वेदी को बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रार्थना, बीज, बलिदान, सेवा और अपना आप चढ़ाएं। आपके पास अपनी पारिवारिक वेदियों को तोड़ने का यही एक तरीका है कि आप अपनी पारिवारिक वेदियों को तोड़कर उनसे बाहर आ सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, उनके जीवन से हर शैतान की वेदी टूटे और प्रार्थना की वेदी बने, ताकि ये हर एक श्राप से आजाद हों और आपकी हजूरी में बढ़ सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।